वेलकम यूपी पुलिस। फ्रेंड्स, आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर जल्दी से क्लास स्टार्ट कीजिए, तो मुझे पहली बार बहुत खुशी हो रही है दोस्तों कि आप लोग इस एग्जाम के प्रति बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। यही मैं आपसे उम्मीद करता था और आप लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं। फ्रेंड्स देखिए, एग्जाम का इंतजार ना करते हुए आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए और इस पे मैं भी वर्क कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज हालांकि मैथ का वीडियो आने वाला था, पर मैं आप लोगों से माफी चाहता हूँ फ्रेंड्स, रीजनिंग का वीडियो मुझे लाना पड़ा यहाँ पर, क्योंकि रीजनिंग के कुछ ज्यादा कमेंट थे फ्रेंड। ठीक है, ऐसी बात नहीं है फ्रेंड्स, सारे वीडियो आएंगे और मैं आपसे कुछ समय के लिए बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि 28 जनवरी तक मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, इस वजह से आपको एक एक वीडियो ही पर डे आ पाएगा। उसके बाद 29 से आपको दो वीडियो पर डे मिलेंगे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का। ठीक है, कभी कभी एक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों, ये काफी डाउट हो रहा है और फ्रेंड्स मुझसे एक गलती हुआ है। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसमें अप्रैल बोला था, उससे पहले एक वीडियो था उसमें मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स जुलाई बोल दिया था, तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ दोस्तों। वहां पर जुलाई ना होके अप्रैल होगा। मैं बात कर रहा हूँ जाति प्रमाण पत्र की, कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी ओबीसी स्टूडेंट के लिए। आप फिर से दोस्तों सुन लीजिए, ये बार बार आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं। फॉर्म ऑल इंडिया की जो भी स्टूडेंट है आप डाल सकते हैं फॉर्म, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, आरक्षण उनको ही मिलेगा जो उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ठीक है, जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, और एससी वालों के लिए किसी भी डेट का हो, बस जिस डेट में फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का होना चाहिए, कभी का हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और ओबीसी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 1 अप्रैल 2017 के बाद का होना चाहिए। फिर से मैं आपसे बोलता हूँ, 17 के बाद का होना चाहिए, और जिस दिन आप फॉर्म भरें उससे पहले वहां पर होना चाहिए, क्योंकि शायद आपको स्कैन करना पड़े या हो सकता है उसका जो नंबर होता है वो आपको उसमें डालना पड़े। फिर से आप देख लीजिए, सिर्फ ओबीसी वालों के लिए, वो भी उत्तर प्रदेश वालों के लिए, जो भी यूपी में लोग रहते हैं ओबीसी कैटेगरी से जो लोग बिलोंग करते हैं, फिर से आप लोग समझ लीजिए, ओबीसी वालों के लिए है जो यूपी में रहते हैं। अदर स्टेट के लिए ये कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना ही उनको छूट मिलेगा ना ही उनसे ये मांगा जाएगा। ठीक है ना, वो लोग जनरल से फाइट करेंगे। तो ये बात फ्रेंड्स क्लियर हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। एक वीडियो मैंने यहाँ पर जुलाई लिखा था दोस्तों, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। ठीक है, अब आइए चलते हैं वीडियो पर। फ्रेंड्स देखिए, मैं बिल्कुल शुरुआती से सारे एपिसोड लेकर आऊंगा, और दोस्तों कुछ एपिसोड ऐसे जो मैं डाल चुका हूं, जैसे लाभ हानि, ट्रेन, बोटन स्ट्रीम, नाव और धारा, परसेंटेज, ये कुछ वीडियो में डाला हुआ हूं फ्रेंड्स। आप उसको पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड देखिए, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से मैं नहीं लूंगा, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके आएंगे, बेसिक से स्टार्ट है, और जो नहीं हुए मैं उनको बेसिक से लूंगा, तो आप प्लीज उनको देखिए। जब तक मैं दो दो वीडियो पर डे नहीं डालूंगा 28 तक जो मैं व्यस्त हूं, तब तक आप उन वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए बार बार उनको। ठीक है ना, तो आप लोग वेट मत कीजिए सर कब आप वीडियो डालेंगे, ऑलरेडी वीडियो पहले से डले हुए हैं, बहुत सारे डले हुए हैं, आप उनको देखिए, और जो वीडियो मैं लाऊंगा उनको भी आप लोग देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो वो भी आपको, आप ये मत सोचिए कि वो वीडियो एसएससी या एसआई या बैंक लेवल के हैं, आप जरा उनको देखिए। तो सिंप्लीफिकेशन के वीडियो डाले हुए हैं मैंने, ये भी इसमें आएगा, तो आप उनको देखते रहिए। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, चाहे वो आपका कॉन्स्टेबल हो चाहे आपका एसआई हो। ये बात रहा कि एसआई थोड़ा टफ लेवल का था, ये थोड़ा इजी लेवल का रहेगा, ये बात हो सकती है। अब आइए हम बात करते हैं इसके ऊपर। ये क्वेश्चंस फ्रेंड इस प्रकार से आपके आरेख में आते हैं, आपको यहां पर संबंध स्थापित करना पड़ता है कि ये किस प्रकार से आपका ये आरेख बनेगा। अभी हम बात करें फ्रेंड, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक वाला काम नहीं है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, सामाजिक जानकारी, ठीक है ना, कह सकते हैं सभी प्रकार की जानकारी जब इसमें होती है तब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। थोड़ा आपको माइंड भी लगाना पड़ता है, ज्यादा टफ नहीं है बट इतना इजी भी नहीं है जितना आप सोचते हो। हालांकि जो क्वेश्चन आते हैं, ये पहला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये पुलिस में आया था सन 2013 में, जो आपका एग्जाम हुआ था पहला क्वेश्चन, ये भी आपका जो है पुलिस में है, और ये तीनों क्वेश्चन एसएससी में आए हुए थे। मैं जो भी यहां पर क्वेश्चन लेता हूं दोस्तों, सभी क्वेश्चन आए हुए ही होते हैं,
मैं किसी प्रैक्टिस पेपर से नहीं लेता हूं, आपको हकीकत बताता हूं कि एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, मैथमेटिक्स का या रीजनिंग का, उसमें वही क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, पति पत्नी और परिवार। मैं यहां लिखता हूं पति पत्नी और परिवार। हम कोशिश करेंगे दोस्तों ये जानने की क्या कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसी सेवा या कोई ऐसी चीज जो क्या उसके अंदर वो चीज आती है। जैसे हमने यहां पर देखा पति पत्नी परिवार, हमने देखा कि परिवार है, ये शब्द जो है परिवार, परिवार के अंदर क्या कोई आएगा। सबसे पहले हम देखो पति को देख ले, पति के अंदर क्या आएगा, कुछ नहीं है इसमें। पत्नी के अंदर क्या है, कुछ नहीं है। परिवार के अंदर क्या क्या आता है, परिवार के अंदर माता पिता पति पत्नी ये सब कुछ आता है। तो आप देखिए परिवार के अंदर क्या आएगा, आपका ये पत्नी रहेगा, सॉरी ये पति रहेगा, ये आपका पत्नी। तो देखिए इस प्रकार से आपका ये आरेख बनेगा, ये चित्र आपका बनेगा, ये आपका हो गया परिवार, ये आपके पति और ये पत्नी, इस प्रकार से ये आपका बनेगा। तो यहां फ्रेंड्स देखते हैं ये आपका किसमें है। यहां आपने देखा तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट ये बन रहा है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या होगा, फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे और क्वेश्चन हम जब सॉल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी कोशिश यही है फ्रेंड्स कि गांव का एक बच्चा जो कभी भी तैयारी नहीं किया है उसको भी समझ में आना चाहिए। ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास ये पहुंच सके फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्रेंड्स मैं चाहता हूं मेरे वजह से आप लोगों को जितना फायदा हो सके, मुझसे इससे ज्यादा खुशी नहीं होने वाली, ठीक है ना। आप प्लीज इसको शेयर कीजिए और एक एक स्टूडेंट का आप ये पहुंचाइए, ठीक है ना। देखिए अगले क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट मैं लेता हूं मेज कुर्सी फर्नीचर। चलिए मैं इसको यहां पर लिखता नहीं हूं, डायरेक्ट फिगर बनाऊंगा मैं यहां पे। देखिए मेज कुर्सी फर्नीचर, आप देखिए इसमें बड़ा शब्द कहां पर जा रहा है, फर्नीचर। फर्नीचर में क्या क्या चीजें आती हैं, कुर्सी मेज आता कि नहीं आता है, तो यही आप देखेंगे, ये आपका फर्नीचर हो गया। फर्नीचर के अंदर क्या आता है, मेज और कुर्सी, तो इसमें भी कौन सा फिगर बनेगा दोस्तों, आपका फर्स्ट वाला, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है एसएससी में, ठीक है ना। देखिए फर्नीचर के अंदर क्या है, मेज और कुर्सी। मान ली अगर आप ऐसा बनाना चाहते हैं मेज, फिर आप कर दो यहां पर क्या, फर्नीचर। क्या ये आपको सही लग रहा है, मेज के अंदर फर्नीचर कब से आने लगा है, फर्नीचर के अंदर मेज आता है, ठीक है ना। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें दोस्तों ये क्या, देश राज और चाय। अब यहां देखिए क्या आपस में संबंध दिख रहा है, जी हां बिल्कुल, किसमें किसमें दिख रहा है, ये भी जानने वाली बात है। तो देखिए ये दोनों कुछ मैच कर रहे हैं आपस में, चाय बिल्कुल अलग जा रहा है, देश और राज। देखिए दोस्तों देश के अंदर क्या आता है, देश के अंदर क्या आता है, राज, ठीक है ना। और ये चाय, इसका फ्रेंड्स कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपका अलग हो जाएगा, देश के अंदर चाय, सॉरी दोस्तों देश के अंदर आपका राज हो जाएगा और चाय इससे कोई भी संबंध नहीं दिखा रहा है। अगर यहां पर होता जिला तो यहां पर भी दोस्तों अंदर आ जाता, क्योंकि देश के अंदर राज होता है और जिला भी देश के अंदर और राज के अंदर आ सकता है, उसका फिगर अलग से बन जाता, बट यहां पर चाय का और इससे कोई संबंध नहीं है, तो फ्रेंड ये आपके अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहां पर दोस्तों होता पेय पदार्थ, पेय पदार्थ और चाय कॉफी होता, तो पेय पदार्थ के अंदर चाय और कॉफी निकल के आ जाते, ठीक है। इसका फिगर कौन सा बनेगा दोस्तों, आप यहां देख रहे हैं, देखिए ये अंदर है और आपका एक बाहर है, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। आगे चलिए सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर आएंगे, आप लोग एक अलग से नोटबुक बना लीजिए, रीजनिंग का अलग, मैथमेटिक्स का अलग, उस पर बार बार प्रैक्टिस कीजिए। बुक्स के बारे में हम बाद में आपको बताएंगे कौन कौन सी बुक्स आपको लेनी है, ठीक है ना। आइए बात करते हैं। शिक्षक
पेंटक नाटक नाटक कार मतलब फ्रेंड्स जो नाटक अटक करता है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है, शिक्षक पेंटर नाटककार, थोड़ा कुछ शब्द का प्रॉब्लम है, आप लोग समझ लीजिए बस, शिक्षक पेंटर नाटककार। अब देखिए ये सभी क्या है फ्रेंड्स, ये इनके पेशा हैं, ठीक है, प्रोफेशन है इनके, कि ये कैसे काम करते हैं, क्या काम करते हैं। अब देखिए शिक्षक, ठीक है, ये अलग काम करता है, पेंटर ये भी अलग काम करते हैं, और आपका नाटककार, तो ये दोस्तों आपका क्या हुआ, ये आपस में क्या है, इनका पेशा है, ठीक है ना, शिक्षक पेंटर आपका नाटककार, तो ये आपका कौन सा बनेगा जाके दोस्तों, ये आपस में क्या है, ये पेशा है तीनों का, तो ये पेशे के हिसाब से ये आपका बनना है, तो कौन सा ऑप्शन आपका बनेगा जाके, सेकंड वाला, ठीक है, इसका दोस्तों क्या रहेगा, सेकंड। देखा तीनों का एक ही काम तो है, पेशा ही तो है ये, शिक्षक पेंटर और नाटककार, तो आपस में ये कोरिलेट कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, गंभीर बच्चे शरारती, अब यहां देखिए बच्चे बच्चे शरारती और गंभीर, ठीक है, लेकिन क्या है कि सभी बच्चे क्या गंभीर होते हैं या शरारती होते हैं, जो मैं दोनों को अंदर कर दूं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं कुछ गंभीर होते हैं, ऐसा तो नहीं सभी बच्चे शरारती गंभीर हों जो मैं दोनों को बच्चों के अंदर कर दूं, वो तो इसका क्या बनेगा, देखिए यहां पर हम करेंगे बच्चे, यहां मैंने क्या किया बच्चे, ठीक है ना, बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे गंभीर होते हैं कुछ बच्चे शरारती होते हैं, तो यहां मैं कर दूं क्या, यहां मैं कर दूं गंभीर और यहां मैं कर दूं शरारती, इस प्रकार से आपका ये फिगर बन जाए, बच्चे दोनों प्रकार से होते हैं गंभीर और शरारती, अगर मैं दोनों को अंदर कर देता इसका अर्थ ये हो गया फ्रेंड्स कि बच्चे जो शरारती होते ही होते हैं गंभीर होते ही होते हैं, दोनों आपको होना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ बच्चे गंभीर होते हैं कुछ शरारती होते हैं, तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आंसर आप देखिए कहां मिलेगा दोस्तों, ये आपका रहेगा फिफ्थ आपका, सॉरी फ्रेंड्स ये आपका सिक्स्थ ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सिक्स्थ ऑप्शन हो जाएगा, तो ये आपका ये सिक्स्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम देखेंगे। देखिए फ्रेंड इसमें और इसमें अंतर है, इसमें क्या अंतर है, इसमें तीनों आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं, और इसमें संबंध स्थापित तीनों में दोस्तों, लेकिन क्या है कि एक से ही दो संबंध हो रहे हैं, ठीक है, एक से दो हो रहे हैं, इसलिए यहां पर ये वाला आपका आ जाएगा सिक्स्थ ऑप्शन। आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो आप लोग पूछिए, जो भी आपको डाउट हो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर से उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। अगला वीडियो दोस्तों ऐसे ही आपके चलते रहेंगे, आप लोग अलग से नोटबुक बनाइए, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समाधान चलूंगा, ठीक है दोस्तों, ये कुछ इजी लेवल के हैं, थोड़े टफ लेवल भी आएगा, उसमें आपको नॉलेज की आवश्यकता अवश्य होगी, जब तक आप समझ नहीं पाओगे, जैसे ये आपका था देश के अंदर राज्य है, जैसे अभी मैं आपको लिखूंगा लखनऊ भोपाल और मैं अलग से कर दूं उत्तराखंड, तो आप क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो राजधानियां हैं इनका संबंध आपस में, उत्तराखंड राज्य अलग है तो इनका संबंध उत्तरा ये आपका रहेगा, उत्तराखंड रहेगा अलग, लखनऊ और भोपाल रहेगा आपका इसमें रहेगा, क्योंकि ये आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं और उत्तराखंड बिल्कुल अलग है, तो ये धीरे धीरे आपके चलते रहेंगे, बस आपको बेसिक समझने की आवश्यकता है जो मैंने आज आपको बताया है, कोई भी डाउट हो आप पूछिए, अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, ठीक है दोस्तों, ऑल द बेस्ट।